है लेसिवियस विद इम्पोटेंसी, तो इसको समझाओ इसका मतलब क्या है। जब इसका मतलब समझ आ जाएगा तब फिर किसी मरीज में दिखेगा आपको ये, उससे पहले तो दिखेगा नहीं। चाइना की पहचान है अकेली। लेसिवियस में क्या होता है उसको, मच डिजायर फॉर सेक्स का ना, नॉर्मल शब्द का ये मतलब है। जरूरी नहीं है कि वो उसको पार्टनर मिल जाए करने के लिए, पर उसको लगता है कि मुझे मिल जाए बस काम बन जाएगा मेरा। लार टपकाना होता है ना जैसे कहते हैं, समझ आ रहे, लार टपकाना, उसकी कैपेसिटी नहीं है ना उसमें, लार तभी टपकाएगा नहीं तो ले ही लेगा। जैसे मर्सिडीज को देखकर, आपकी ऑडी को देखकर लार टपकते हैं ना, यार मेरे पास भी यही हो, और आप दिन रात उसी को देख के एक रोमांटिक से बड़ी हसरत भरी निगाह से ऑडी को देख रहे होते हो, उस वक्त वो आप लेसिवियस हो, वो लेसिवियसनेस है, उसको ओन करने के लिए तड़प रहे होते हो। तो सेक्स में भी ऐसे होता है, आप उस काम करने के लिए उस वक्त बड़े बेचैन हो, लग रहा होता है कि भाई इस वक्त ये होना चाहिए, तो वो तो लेसिवियस का मतलब ये नहीं है कि वो सेक्स से जुड़ा हुआ है। तो किसी चीज को पाने के लिए जो हम लार टपका रहे हैं ना, लार तो इनकैपेबल होकर ही टपकाएंगे। अगर ऑडी खरीदने के पैसे होंगे तो जाके ले आएंगे, फिर लार थोड़ी टपकाएंगे। तो वो होता ही इम्पोटेंसी के कारण होता है। आया समझ में? इम्पोटेंसी माने उस काम को करने की उसमें वो पावर नहीं है, पोटेंसी नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है, उसके पास उतने साधन नहीं है कि उसको कर सके। अब ये सेक्स से नहीं जुड़ा है इस चाइना में, ये जुड़ा है कि उस काम को जिसके लिए इसकी बड़ी लगन है, जो ये करना चाहती है, उसको करने की शक्ति इसमें नहीं बची हुई है। जैसे ये अच्छे से क्लिनिक चलाना चाहती थी, पर वो क्लिनिक चलाने की पावर नहीं है, इसीलिए तो हिंडर्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड फील करेगी। अगर पावर ही होगी तो सारे अड़चनों को आप हटा देते हो ना, तो अड़चन तो तब आएगी जब आप उस अड़चन को हटाने की कैपेसिटी नहीं रखते हो। तो ये स्मूथ राइड तो चाहती है, पर स्मूथ राइड करने की पावर नहीं है। तो जो स्मूथ राइड की जो डिजायर है ना हर वक्त, वो लेसिवियसनेस है। आया समझ में? तो ये उन चीजों से नहीं जुड़े होते जिनको हमारा कॉमन भाषा में हम समझ रहे होते। उस लेसिवियसनेस के पीछे हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो उस वर्ड का असली मीनिंग होता है।